इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए 1 कप इमली को 1 कप गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद उसके गूदे को अच्छी तरह से मलकर उसके बीज अलग कर लें। इसके लिए आप फिर छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके पानी में आप 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 1 कप चीनी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना हुआ सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 चुटकी रेड फूड कलर शामिल कर दें। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप किसी पैन में आप इस मिक्सचर को डाल लें, उसको पकाना शुरू करें। साथ साथ आप इसे हलाते रहें। जब ये गाढ़ा होगा उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें 4 मग शामिल करेंगे। इसमें हमने 2 टेबल स्पून 4 मग शामिल करने हैं और फिर 2 से 3 मिनट इसको पकाकर फ्लेम ऑफ कर देंगे।